तो अब हम जा रहे हैं जी ओपन ग्रेवियार्ड। वो यहाँ फेस्टिवल प्लेस से थोड़ा नीचे की तरफ है, 10-15 मिनट का रास्ता है। रास्ते में हम आपको माहौल भी दिखाएंगे। हाँ जी, तो हारिस भाई कैसा लग रहा है फेस्टिवल? बेहतरीन लग रहा है। क्या व्यूज हैं आपके? आना चाहिए सबको देखने के लिए। ये सारे टूरिस्ट आए हुए हैं इधर विजिट पे। हाँ भाई, क्या हाल है बच्चों? कैलाशी हो आप सब? हाँ। सारे कौन सी फोर्स से हो? करकाल। अच्छा, करकाल विलेज से हो। अच्छा यार, वो आपका जो कब्रिस्तान है वो आगे कितनी दूर है? वो आगे 10-15 मिनट का रास्ता है। चलो, थैंक यू जी। जी यही है, यही है। निकलेगा ये रास्ता, बाहर ही निकलेगा ये। हाँ जी, ये अच्छा है, बल्कि मेरे ख्याल से शॉर्टकट है। जी जी। और इधर रश वश भी नहीं, नीचे गाड़ियां वाड़ियां होंगी, लोग होंगे। हाँ जी, ये सही है। ये हम जा रहे हैं जी अब करकाल विलेज, जो बम्बू रेस से ही मुंसलिक है, और वहाँ हम विजिट करने जा रहे हैं ओपन ग्रेवियार्ड या खुला कब्रिस्तान, जहाँ ये मुर्दे खुले छोड़ देते हैं कैलाश के लोग। तो करकाल विलेज की तरफ हमारा सफर जारी हो सारी है। रास्ते मंजिल से ज्यादा खूबसूरत है। देखें रास्तों की खूबसूरती और एंजॉय करें। ये है जी बिशालीदर, और ये पाक और नापाक के सवरात का लाशा मजहबी रवायात का अहम हिस्सा है और रोजमर्रा की सरगर्मियों पर उनका गहरा असर है। वादी के अंदर मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ दर्जात की पाकिजगी या नापाकी पाई जाती है, और बिशाली हर गांव में एक मखसूस घर को कहते हैं, जहां खवातीन माहवारी या बच्चे की पैदाइश के वक्त बच्चे के जन्म से 10 दिन पहले गांव से दूर रहती हैं। तो खवातीन की दीगर अफराद से अलैदगी की वजह वैसे तो नापाक के जुमरे में आती है, मगर खवातीन के लिए आराम करने और अपनी घरेलू जिम्मेदारियों से वक्फा लेने का एक मौका भी है। कितनी मॉडर्न। तो बिशाली के अंदर रहने वाली खवातीन और अशिया के दरमियान बराह रास्त जिस्मानी राबते की इजाजत नहीं है, तो सयाह मर्द और खवातीन को बिशाली के अंदर दाखिल होने की इजाजत नहीं है। तो हम आपको ये बाहर से दिखाते हैं। ये है जी इनका विशालिनी। नहीं, ये करकाल विलेज के अंदर वाकई है। ये करकाल गांव में आ गए हैं जी हम। ये यहाँ की खसूसियात है। अच्छा, ये आपका होटल है? रेस्टोरेंट न्यू कोयटा कैफे। यहाँ पे हम खाने पीने की चीजें भी इधर आप मिल जाती हैं और चाय भी मिल जाती है। जैसे यहाँ चले, हमें ग्रेवियार्ड दिखाएं आप। अच्छा, ये ग्रेवियार्ड है जी, जिसे ओपन ग्रेवियार्ड या खुला कब्रिस्तान बोलते हैं, और यहाँ कैलाशी मुर्दों को रखा जाता है ओपनली ताबूतों के अंदर। तो ये इसका व्यू है। ये ताबूत पड़े हैं। Thank you.
जैसा कि आप देख रहे हैं नाज़रीन के यहाँ पे मुर्दों को ऐसे खुले ताबूतों में रख देते हैं, तो वो वक्त के साथ साथ उनका गोश्त और हड्डियां या तो गल सड़ जाती हैं या जानवर ले जाते हैं। तो ये इनकी मकामी रवायत है कलाशी तहजीब की। ये है जी ओपन ग्रेवयार्ड। काके भाई क्या तासुरात हैं आपके ओपन ग्रेवयार्ड के बारे में? बहुत डिफरेंट और एक यूनिक सी चीज है जो यहाँ के कल्चर में पाई जाती है। तो कैसा पाया आपने कैलाश के विषय? कैलाश माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत और बहुत हसीन वादी है। यहाँ के जो लोग हैं वो भी बहुत ही ज्यादा कोऑपरेटिव हैं और बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, और यहाँ की तहजीब को देख के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये इस तरह की चीजें हमें अपनी आम जिंदगियों में देखने को नहीं मिलती हैं। तो और ये ग्रेवयार्ड खास तौर पे बहुत सुना था इसके बारे में, आज अपनी आंखों से भी देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। एक बड़ी डिफरेंट सा मुनफरिद सा एहसास है, एक कल्चर है, बहुत ही ज्यादा मुनफरिद कल्चर है, और मैं समझता हूँ इस तरह के कल्चर बहुत कम अब मेरे ख्याल से दुनिया में पाए जाते हैं, किसी तहजीब में नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो ये नाज़रीन ताबूतों के अंदर इस तरह हड्डियां विजिबल होती हैं, ये इंसानी हड्डियां हैं, तो ये पूरे ग्रेवयार्ड में जगह जगह नजर आ रही हैं। ये सारा ग्रेवयार्ड है, मुर्दे को दफन करने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो इनके इस्तेमाल की चीजें भी सारी यहीं छोड़ दी जाती हैं, जैसे कि चारपाई, उससे रिलेटेड जो बिस्तर है या उनके जो कपड़े वगैरह है वो भी ताबूत के अंदर ही छोड़ दिए जाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मुर्दे से रिलेटेड तमाम चीजें वो ताबूत में मुर्दे के साथ ही छोड़ देते हैं। ये हड्डियां विजिबल हैं, ये इसके अंदर भी इंसानी हड्डियां विजिबल हैं, सारी की सारी वैसी पड़ी हैं। तो आगे भी है इसका एक पोर्शन, वो भी आपको विजिट करवाते हैं जी। तो नाज़रीन ये हमारे हारिस भाई हैं इस्लामाबाद से, तो इनके व्यूज लेते हैं इनके इस कब्रिस्तान के बारे में, और इधर ओवरऑल कैलाश वैली के बारे में क्या व्यूज है जी, पूछें आप क्वेश्चन आपके इस ग्रेवयार्ड के बारे में। ग्रेवयार्ड क्या है, ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, आना चाहिए एटलीस्ट वंस इन अ लाइफ इंसान को देखने के लिए। कैलाश वैली के बारे में क्या था उसका? कैलाश वैली भी अच्छी है, उनकी अपनी सकाफत है, अपना कल्चर है वो जो दिखा रहे हैं, और हमें उनके एहतराम करना चाहिए उनके, और गलत या वो क्या कहते हैं ज्यादा रश है उनको अपने खुल के खेलना चाहिए इस तरह, ताकि हम लोग उनकी वो सकाफत को दे सकें, लेकिन इधर लोग कंजस्टेड जिस तरह के लोग करते हैं तो उसकी वजह से थोड़ा गलत हो जाता है, लेकिन ये है कि बहुत अच्छी जगह है, आना चाहिए। तो फ्री पॉइंट ऑफ व्यू से आना, फ्री पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि थोड़ा यानी हेक्टिक है फैमिली के लिए, तो प्लान करके दो तीन दिन का ट्रिप प्रॉपर प्लान करके, डे ट्रिप वाला जो आप अगर कॉन्सेप्ट दें तो वो डे ट्रिप वाला कॉन्सेप्ट नहीं होगा इधर विद फैमिली। चलें, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ग्रेवयार्ड विजिट करने के बाद हमने उसी कोयटा कैफे से वॉलनट पराठे और वॉलनट की चाय पी जो हमने आते हुए आपको दिखाया था, और ये वॉलनट पराठा और वॉलनट चाय दोनों बहुत मजे के थे जी। तो नाज़रीन ये हमारा कैलाश वैली का विजिट अपने इख्तिताम की जानिब गामजन है, और मैं यही कहूंगा कि रास्ते की खतरनाकी को ना देखें, क्योंकि एडवेंचरस पाथ्स लीड टू ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस, और मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आए यहाँ विजिट करें कैलाश वैली का, बहुत खूबसूरत इलाका है, लेकिन जैसे कि हारिस भाई ने आपको अभी कहा था कि इसको खूबसूरती के पॉइंट ऑफ व्यू से, तफरीही पॉइंट ऑफ व्यू से देखने आए यहाँ पे,
लड़कियों को देखने यहाँ आना महज बेहूदगी है और उसे आप अवॉइड करें। तफरीही पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत खूबसूरत इलाका है और आई थिंक पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन इलाकों में इसका शुमार होता है। तो इसके साथ इजाजत दीजिए नाजरीन, आमिर शहजाद, अल्लाह हाफिज़।